हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खरे से हो गए, ठीक ठाक हो गए। मैं हूँ अली भाई और आप देख रहे हैं जी अली भाई व्लॉग। और जी आपको वेलकम बैक करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्यारे से चैनल में। तो जी अभी वापस आ गए हैं, तो अभी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो चूज़ों का मैंने खुला ही छोड़ा हुआ था अंदर, परिंदों के अंदर ही कबूतरों के साथ ही। तो पहले तो वो दिखाएंगे आपको कि उनकी क्या कंडीशन है और कैसे जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपको दिखाएंगे कि हमारा जो बड़ा चूज़ा है ना वो क्या क्या कर रहा है, और जो है ना उसने खाना खाया है या नहीं खाया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जी आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि उसके साथ फीमेल कौन सी लगानी है। जो कल मैं जो लेके आया ना नया जो आया पिजन, कल नया पिजन आया है, उसके साथ कौन सी फीमेल लगानी है वो आपको उसका शो करवाएंगे और बताएंगे कि भाई ये कितनी देर में तैयार होगी और कितनी देर में हम इसका पेड़ बना के लगाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। तो बस हम आ गए जी केज की तरफ, और ये देखें कि चूजे ना बस तैयार खड़े हैं कि भाई कह रहे दरवाज़ा खोलो और हम लोग ना बाहर आए। तो मैंने इनको बाहर नहीं आने देना क्योंकि ना इनको इनके केज में डालूंगा। सुबह मैंने इनको अमॉक्सल ले लिया था, चूजे को जो चूज़ा बीमार है उसको ले लिया था सुबह को अमॉक्सल। अभी चलेंगे जी अंदर की तरफ, इनको बाहर नहीं आने देना जी। तो व्यूअर्स आपको आज दिखाएंगे जी ब्लैक टेल का एक ऐसा पेयर जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पायदार है। अभी मैं केज में आया ही इसलिए हूँ कि आपको ब्लैक टेल का एक पेयर का शो करवाया जाए, जो कि मेरा एक पेयर लगा हुआ है पहले से ब्रीड पे और दूसरा पेयर वो भी ब्रीडिंग कर रहा है, और तीसरा पेयर जो है ना ये बिल्कुल आपके सामने है। नीचे ये वाला मेल है, ये जो उधर जो है ना गर्दन उसे की हुई है, और ये देखें जी ये साथ इसके खड़ी है जी फीमेल। माशाल्लाह से दोनों बिग हैवी साइज में, जो मेल और फीमेल है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जी आप तो इनके बारे में बताते चलें कि ये जो ब्लैक टेल है, ये रेड टेल है, येलो टेल है, वाइट इंग्लिश टेल है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा जो है ना मशहूर हैं। और ख़ासकर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना वो है जी सेल्फ येलो ब्लैक टेल अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है जी फुल ब्लैक और फुल वाइट में। और ये मुझे तमाम के तमाम रंग जो मैंने रखे हैं ये मुझे सभी के सभी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं जी, आगे लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं चूजे चूजे क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया है। तो पहले तो इन चूजों को ना साइड पर ज़रा कर लें, ये देखें जैसे ही मैंने आया हूँ इसके केज के नज़दीक तो इन्होंने छलांगे लगाना ना बंद कर दी है, और पानी की हालत देख रहे इन्होंने क्या की है। मैं बड़ा परेशान हूँ भाई इनसे, ये ऐसे क्यों करते हैं पता नहीं। और ये चूजा मेरा देखें कि बिल्कुल ठीक जा रहा है माशाल्लाह, अच्छा जा रहा है। अभी आपको ना दिखाते हैं इनका ना दरवाज़ा मैं खोल लूँ, ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया और मेरे ऊपर ही इसने ना छलांग लगा दी हुई है, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये अंदर मैंने आपके लिए दाना डाला हुआ है, आप क्यों नहीं खा रहे चूजो, ये देखो ये दाना आपके लिए अंदर डाला हुआ मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा ना घबरा जाते हैं जब इनके पास लाइट आती है, लाइट जब अगर मारे इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ये घबरा जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इनके ऊपर लाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको चोट भी लग सकती है। तो जी आपको दिखाते चले कि ये देखें जी ये विंडो पेमेंट लगाया है वाला, और इसने बच्चे निकाल लिया, इसने एक बच्चा निकाला है जो कि ये है, बच्चा बड़ा हो गया और अभी ये फ़िलहाल ब्रीड नहीं कर रहा, इंशाल्लाह इसको ब्रीड पर लेके आएंगे और ये ब्रीड पर आ जाएगा इंशाल्लाह, तो जो भी ब्रीड दोबारा से स्टार्ट कर देगा। ये देखें जी इसका कोटा मैंने उठा कर ऊपर रख दिया है ऊपर वाले खाने में ब्लैक वाले का, तो अभी तो आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। इसने फिर से एग ख़राब किए थे, अभी इसकी जो मेडिसिन है वो चालू कर दिया दोबारा से, और अभी ये मेडिसिन जो है ना ये चालू ही रहेगी, ये बंद नहीं होगी। ये देखें जी जी नहीं इसके साथ फीमेल लगाई है हमने, और ये लगाया जी रेड सेडर में,
तो ये नया पेयर जो लगाया था इसकी देखते हैं क्या कंडीशन जा रही है। ये वाला नया पेयर है, ये आपस में क्रॉसिंग हो रही है इसकी और इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रिज पे आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, हमने आपसे पहले दिखाया जी ऊपर वाला पेयर ये वाला, और अब हम आपको दिखा रहे हैं जी ये वाला पेयर ब्लैक बॉडी वाइट टेल, और इसके बाद जो पेयर आपको दिखाएंगे वो है जी पूरा का पूरा येलो। अगर आपको नज़र आ गया तो देखिए, शायद आपको नज़र आ गया होगा पूरे का पूरा येलो है ये वाला, और इसका जो है ना फ्लश लाइट ऑन करती है थोड़ी सी लाइट इसकी ऑन की है मैंने, तो ये देखें ये मेल इधर खड़ा हुआ है और फीमेल ये देखें सामने है, तो लगता है कि हाँ तो ये भी आपस में क्रॉसिंग हो रही है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, बहुत ही कमाल का जा रहा है। इसमें जी दो बच्चे निकाले थे मैंने, वो बाहर छोड़े हुए हैं, ये देखें ये खेल रहे हैं दोनों बच्चे, और माशाल्लाह दोनों ही अच्छे जा रहे हैं। तो ये देखें जी ये पेयर लगा हुआ है पहले से ही, ये बैठा हुआ है बच्चा इसका बैठा है। आज इनको मैंने विटामिन बी का इस्तेमाल करवाया है और तमाम के तमाम बच्चों को विटामिन बी दिया है और बहुत अच्छे माशाल्लाह जा रहे हैं। इसकी एक टांग ना टेढ़ी है, ये रेड टेल के बच्चे की, अब वो पता नहीं क्यों क्यों टेढ़ी हो गई है, कैसे टेढ़ी हो गई है उसकी अब समझ नहीं आ रही मुझे। देखें ना आप इसकी एक टांग देखें आप टेढ़ी है, तो ये देखें जी यहाँ से येलो टेल के बच्चे आप देखें जी, येलो टेल के माशाल्लाह बच्चे, इनको ही मैंने आज विटामिन बी दिया और बहुत अच्छा जा रहा माशाल्लाह। ये पेयर लगा हुआ है रेड टेल के साथ, ये वाली वो मेल है और ये फीमेल है, दोनों लगे हुए हैं। और जी ये देखें जी ये यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक दो और तीन बच्चियाँ, यहाँ पे एक बच्चा पता नहीं कहाँ पे थे छोटा जी, एक बच्चा छोटा था तो अभी ना यहाँ पे साइड पे होगा कहीं तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इनके दरमियान कहीं बैठा होगा, ये बैठा होगा इसके पास ही, वो रेड टेल में है, ये दोनों ब्लैक टेल में है। तो अभी ये इनकी ना टेल थोड़ी सी छोटी रह गई है, बच्चे रह गए हैं और इनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इनको भी ना डेली बेस पे देंगे विटामिन बी की कमी हो गई है तो इंशाल्लाह ये ब्रिज पे आ जाएंगे। जिसका तो आपको पता ही होगा कि मेरा नया पेड़ लगाया और इंशाल्लाह ये भी क्रॉसिंग में आ रहा है, और जैसे ये क्रॉसिंग में आ जाएगा और तो इंशाल्लाह जो है ना ये ब्रिज पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेल देखें मेल क्या कर रहा है ये देखें जी हमारा येलो टेल का बच्चा और येलो टेल फीमेल है और इसके आगे पूरा वाइट फ्रंट टेल है, और ये देखें जी ये तो बैठा हुआ है आपको टाइम दे रहा है, और आपको दिखाते दिखाने जा रहे हैं जी बड़ा चूजा, ये बड़ा चूजा जी ये देखें बड़ा चूजे ने ऐसे लग रहा है जैसे इसने ना अभी कि अभी इसने ना ये तोड़ देनी है जाली, तो इसके ऊपर लाइट बिल मार रहा हूँ, लाइट से बहुत ज़्यादा डरते हैं पता नहीं क्या हुआ है मुझे, देखें ये देखें अभी इन्होंने लाइट से बहुत ज़्यादा डरना है, ये देखें छाले तक वहीं शुरू कर दिया इन्होंने, मैं इसके पीछे ले जाता हूँ और मुर्गी देखते हैं मुर्गी क्या कर रही है, मुर्गी हेलो आ गया मैं ये जो मुर्गी को दोपहर को मैंने ओपन किया था लेकिन बाहर नहीं था निकाला, यहाँ अंदर मैंने ओपन किया था, मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने आटा ला के डाला था, जो ये आटा सारा चटपट चटपट कर दिया, ये देखें अभी भी आपको आटे के निशान नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने चूजों ने रहने नहीं दिया, चूजों ने जी आटा ख़त्म कर दिया हुआ है माशाल्लाह। और ये अभी ये देखें दाना थोड़ा सा पड़ा हुआ है इसके पास, आज मैं इनको डालूँगा चावल एक एक जो है ना जो कहते हैं कि थोड़े थोड़े से लेकर ना चावल, तो वो इनको डालेंगे हाथ में लेके एक मुठ भर के, फिर इनको चावल डालेंगे एक इसको भी डालेंगे और चूजों को भी डालेंगे। तो इसका तो आपको पता ही है कि ये ब्रिड पे लगा हुआ है, दो अंडे दिए हैं इसने और इसकी फीमेल अच्छी लगाई है मैंने, और इसके साथ जो है ना फीमेल सेट हो गई है। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने ये ना ये पेयर जो लगाया हुआ है इसने कमाल की मुझे ब्रीड दी है, येलो टेल में एक बच्चा निकाला था इसने, और उससे पहले भी इसने जो है ना
अंडे ख़राब किए थे और बच्चा देने के बाद भी इसने अंडे ख़राब कर दिए थे। अब फिर से ये दो एग दे के बैठे हुए हैं, मेल और फीमेल। तो मैंने सार भाई को कॉल किया कि सार भाई मुझे आपके अंदर सेटअप की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मुकम्मल वीडियो चाहिए। तो वो कह रहे थे इंशाल्लाह आपको मैं व्हाट्सएप करूँगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, ये सिल्वर टेयर और येलो टेयर में लगाया, सॉरी ब्लैक टेयर में लगाया। तो ये भी इंशाल्लाह इसकी मेडिसिन भी इस्तेमाल करवानी शुरू कर दी है मैंने, तो ये भी इंशाल्लाह ना ब्रीड पे आ जाएगा बहुत जल्द और दोनों बच्चे निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो गर्मी है, गर्मियों के सीज़न में ये बहुत कम बच्चे अंडे देते हैं, लेकिन जो है ना सर्दी में इंशाल्लाह ये पूरी पूरी ब्रीड करेंगे। और आपको दिखाते चले, वो देखें ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है रेड टेल के साथ येलो टेल, और ये ब्लैक टेल अकेले बैठा हुआ है। और हमारे किंग का पेड़ ये देखें, ये नीचे बैठा हुआ है, किंग का पेड़ ये है और दूसरा ये बैठा हुआ। देखें बाहर मैंने निकाले थे कि मैं आपस में थोड़ा सेटमेट हो जाएंगे, लेकिन ये देखें एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा हुआ है। ये सारे ऊपर बैठे हुए हैं, लाइट मैंने ऑन की है आज रात का वीडियो बना रहे हैं, रात का वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं गया हुआ था चैनल पे। तो पैगाम यही है कि चैनल वाले जिन जो आना तमाम के तमाम लोगों को ना गाने वगैरह से फ्रेश करना चाहिए और गाने नहीं सुनने चाहिए, तो उनको ज़्यादातर जो है ना इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के कसाइद सुनने चाहिए और उनके मसाइब सुनने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गिरजा करना चाहिए। तो जी आज का पैगाम ये था, और वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इसी के साथ जो मुझे ज़्यादा ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। थैंक यू।